तो फ्रेंड ये हमारे पास एक 65 इंच की एलईडी है स्मार्ट, तो फ़िलहाल यही मेरे पास मौजूद थी, तो इसी को हम ये लगा कर देखते हैं। आपकी कंट्री में ये कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन इसका नाम यूनिवर्सल रिमोट ही होता है, यूनिवर्सल एलईडी टीवी रिमोट। तो आप लगाना किस तरह है, सिंपली आपने बस ये दोनों एक साथ में प्रेस करने हैं। ये दो बटन जो फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं, पावर और सेट वाला, ये दोनों प्रेस करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब आपने या तो वॉल्यूम प्लस वाला बटन दबाते रहें या फिर माइनस वाला। ये प्लस वाला बटन दबाते रहेंगे तो लाल लाइट भी आपको शो होती रहेगी, ये यहाँ पे शो हो रही है, ये देख सकते हैं आप इस तरह, और उधर एलईडी में आपने देखते ही रहना है। जब वॉल्यूम का निशान आ जाए, वॉल्यूम प्लस का, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक सेकंड यहाँ पे आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो जब ये वॉल्यूम शो आपको हो जाए उसी वक्त आपने आगे बटन प्रेस नहीं करना, ये आप फिर से ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा ये वॉल्यूम। अब आपने प्लस का बटन दबाना है या माइनस का, जब एक बटन प्रेस हो जाए, जब काम करना शुरू हो जाए, तो आपने ये वाला सेट वहाँ पे क्लिक कर देना है, सेट कर देना है। अब आप देखेंगे प्लस और माइनस से बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। तो इस तरह आप एक यूनिवर्सल रिमोट लगा सकते हैं किसी भी एलईडी टीवी को। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, मतलब ये आप दबाते रहेंगे, जो मैच होगा उसके साथ आपने ये सेट कर देना है। तो ये तरीका है इस यूनिवर्सल रिमोट को लगाने का किसी भी एलईडी टीवी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। कोई भी आप अगर टीवी आपका सैमसंग का है, एलजी का है, कोई भी है, तो उसके साथ ये मैच हो जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल रिमोट तो बहुत महंगे होते हैं, वो आप शायद परचेज़ ना कर पाएँ, या कर भी सकें तो मार्केट में मिलते नहीं हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट ईजी अपने एलईडी टीवी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर फ़ायदेमंद हो तो शेयर भी कीजिए।